सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए कमाल के वीडियो में। तो आज मैं लेकर आ चुका हूँ सुपर गर्ल का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 13। तो चलिए चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तब हम लोग देख पाते हैं कि म्यूजिक स्पिटलिक कारा को प्रपोज करता है। इस बात को देखते हुए मोनल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और अब ये म्यूजिक स्पिटलिक का कॉलर पकड़ लेता है। पर क्योंकि म्यूजिक स्पिटलिक फिफ्थ डायमेंशन से आया था और इसके पास गॉड लेवल की पावर थी, तो ये मोनल को ही टेलीपोर्ट कर डीईओ के मेन बेस में भेज देता है। इसे देखते हुए कारा काफी ज्यादा शॉक होती है। अब म्यूजिक स्पिटलिक कारा को बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करने के लिए यहां पर आया हुआ हूं। पर कारा अभी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती और म्यूजिक स्पिटलिक को यहाँ से किसी न किसी तरह भगा देती है। अब इसके बाद कारा भी डीईओ के मेन बेस में चली जाती है जहाँ पर मोनेल भी था। अब यहाँ पर ये इस बारे में जॉन को बताते हैं। तब जॉन भी काफी ज्यादा शॉक होता है कि कोई फिफ्थ डायमेंशन से किसी को पाने के लिए यहाँ पर कैसे आ सकता है। पर अभी ये कारा को सलाह देता है कि ये अपने ही दिनचर्या के कामों में लगी रहे और म्यूजिक स्पिटलिक पर ज्यादा ध्यान ना दे, क्योंकि अगर ये उस पर ज्यादा ध्यान देगी तो उसे भी लगेगा कि ये उसे पसंद करती है और इसके बाद वो शायद इसका पीछा भी ना छोड़े। तब जॉन यहाँ पर इन लोगों को बताता है कि अगर तुम्हें किसी फिफ्थ डायमेंशन से आए हुए आदमी को हराना है तो तुम्हें उसके नाम को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखवाना होगा, और अगर तुम ऐसा कर देते हो तो उस आदमी को तुम्हारी एक विश भी पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास गॉड लेवल की पावर्स होती हैं। पर यह काम करना काफी ज्यादा मुश्किल है। इस पर कारा थोड़ा स्माइल करती है और अब जॉन यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद कारा मोनल को साइड में लेकर जाती है जहाँ पर मोनल इससे बोलता है कि प्लीज तुम कभी भी उसकी गर्लफ्रेंड मत बनना। इस पर कारा भी एग्री करती है और अब ये दोनों स्माइल करने लगते हैं। वहीं हम लोग एलेक्स और मैगी को मैगी के अपार्टमेंट में देख पाते हैं, और क्योंकि आज वैलेंटाइन का डे था तो एलेक्स काफी ज्यादा खुश थी। पर इसे मैगी से बातें करते हुए पता चलता है कि मैगी को वैलेंटाइन का डे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसका क्या रीजन है वो हमें आगे के एपिसोड में जानने को ही मिलेगा। पर अभी मैगी इस बारे में एलेक्स से ज्यादा बात नहीं करती और यहाँ से चली जाती है। वहीं हम लोग विन को देख पाते हैं जो कि जब रेस्टोरेंट में जाता है तो यहाँ पर इसके ऊपर एक एलियन अटैक कर देता है। तभी यहाँ पर एक फीमेल एलियन आती है जो कि उस एलियन से विन को बचाती है और साथ ही उस एलियन की काफी ज्यादा धुलाई भी करती है। जिसके बाद जब ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं तो हमें पता चलता है कि उस एलियन का नाम लारा है, और क्योंकि लारा ने विन को बचाया था तो इसी वजह से विन लारा को पसंद करने लग गया था। तभी लारा इससे अचानक से पूछती है कि क्या तुम रात में मेरे साथ डेट पर चलोगे, और क्योंकि अब विन खुद भी लारा को पसंद करने लग गया था तो इसी वजह से ये भी हाँ बोल देता है। अब आगे हम लोग एक बैंक में से चोरों को चोरी करके भागते हुए देखते हैं। तभी यहाँ पर सुपर गर्ल पहुंच जाती है और ये इन चोरों को पकड़ने ही वाली थी कि इतने में ही यहाँ पर म्यूजिक स्पिटलिक भी पहुंच जाता है जो कि कारा की मदद करने के लिए ही आया था। पर ये उन चोरों की गन को उल्टा उनके ऊपर ही तान कर फायर कर देता है, जिस बात को देखते हुए सुपर गर्ल को काफी ज्यादा गुस्सा आती है। पर ये सबसे पहले तो उन चोरों को बचाती है और उसके बाद म्यूजिक स्पिटलिक को यहाँ से भगा देती है। अब इसके बाद ये यहाँ से अपने घर में पहुंच जाती है जहाँ पर इसके साथ एलेक्स भी थी, और अब एलेक्स इसे बताती है कि मैगी को वैलेंटाइन डे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस बात को सुनने के बाद कारा काफी ज्यादा आश्चर्यचकित होती है और सोचने लगती है कि आखिरकार वैलेंटाइन डे किसको पसंद नहीं होगा। पर इसके बाद ये एलेक्स को अंदर कर जाती है और इससे बोलती है कि तुम्हें कुछ भी करके मैगी को वैलेंटाइन डे की कीमत बतानी होगी। अब ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी इन्हें बाहर से बहुत ज्यादा लोगों की चिल्लाने की आवाज आने लगती है और इसी वजह से ये दोनों बाहर पहुंचते हैं, जहां पर ये लोग देख पाते हैं कि पैरासाइट जो कि एक साइंटिस्ट था वो जिंदा होकर लोगों के ऊपर हमला कर रहा है। इस बात को देखते हुए कारा काफी ज्यादा शॉक होती है, पर ये लोगों को बचाने के लिए उस पैरासाइट के पास जाकर उससे लड़ाई करने लगती है। इतने में ही यहाँ पर मोनल भी पहुंच जाता है जो कि पैरासाइट से लड़ने में कारा की मदद करने लगता है। पर क्योंकि पैरासाइट सच में काफी ज्यादा पावरफुल था तो इसी वजह से ये कारा के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। अब ये तीनों यहाँ पर लड़ाई कर ही रहे थे कि इतने में ही यहाँ पर सुपरमैन की एंट्री होती है, जिसे देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। पर बाद में जब सुपरमैन नीचे आता है तो हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि म्यूजिक स्पिटलिक है, जिसने सुपरमैन की तरह ड्रेसअप करा हुआ है। अब इस बात को देखते हुए कारा काफी ज्यादा शॉक होती है। म्यूजिक स्पिटलिक बताता है कि ये पैरासाइट मेरे ही जादू की वजह से जिंदा हुआ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं लोगों को बचाऊं तो तुम मुझे पसंद करो। इस बात को सुनने के बाद कारा काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए म्यूजिक स्पिटलिक को यहाँ से भगा देती है, और साथ ही मोनल भी इसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। अब आगे जब मोनल और कारा दोनों डीईओ के मेन बेस में होते हैं तो यहाँ पर मोनल इससे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब मैं तुम्हारे साथ पूरा दिन रहूंगा। पर क्योंकि कारा जानती थी कि म्यूजिक स्पिटलिक के पास गॉड लेवल की पावर है और वो मोनल को कुछ ही क्षणों में हरा सकता है, तो इसी वजह से ये मोनल को इस काम के लिए मना कर रही होती है। पर मोनल इस बात के लिए नहीं मान रहा होता। इस बात को देखते हुए कारा इससे लड़ाई कर बैठती है, और साथ ही ये गुस्से में इसे ये भी बोल देती है कि मुझे पता है कि तुम म्यूजिक स्पिटलिक से जेलस हो रहे हो, पर मोनल इस बात पर एग्री नहीं करता। अब कारा से लड़ाई करने के बाद मोनल सीधा विन के पास जाता है और इससे पूछने लगता है कि म्यूजिक स्पिटलिक को कैसे हराया जाए।
इस परवीन इसे एक एलिमेंट के बारे में बताता है जिसे 5D डायमेंशन के लोगों को मारने के लिए बनाया गया था क्योंकि उनके पास गॉड लेवल की पावर होती है, पर जैसे ही उस एलिमेंट को उनके सामने लाया जाता है तो उसकी रोशनी में वो अपने पावर को यूज नहीं कर पाते। इस बात को सुनने के बाद मोनल विन को यहाँ से भेज देता है और अब ये म्यूजिक स्पिटलिक को हराने के लिए वहाँ से एक एलिमेंट भी चुरा लेता है। और अब ये सीन कट होकर मैगी पर आता है जो कि जब घर में पहुँचती है तो यहाँ पर इसे बहुत ज्यादा सजावट मिलती है। उस सजावट को देखने के बाद भी मैगी बिल्कुल खुश नहीं होती। तभी यहाँ पर एलेक्स भी आ जाती है और जैसा कि कारण ने एलेक्स से कहा था कि इसे मैगी को वैलेंटाइन डे की अहमियत बतानी चाहिए, तो एलेक्स ऐसा ही करने लगती है। तब मैगी इसे बताती है कि इसने इससे झूठ बोला था कि इसके पेरेंट इसके लिए सपोर्टिव थे। मैगी के लिए बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं थे, बल्कि उन्होंने तो इसे घर से बाहर निकाल दिया था जब उन्हें पता चला था कि ये एक गे है, क्योंकि उस दिन वैलेंटाइन डे ही था, तो इसी वजह से मैगी को ये दिन पसंद नहीं है। अब इस बात को जानने के बाद एलेक्स काफी ज्यादा शॉक होती है। तब मैगी इसे बोलती है कि मैंने तुम्हें इस बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि तुम दूसरों के दबाव में आकर अपनी लाइफ को एंजॉय करो, बल्कि मैं ये चाहती थी कि तुम अपनी तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय करो। अब इतना बोलने के बाद मैगी यहाँ से चली जाती है। वहीं हम लोग विन को एक रेस्टोरेंट में देख पाते हैं जहाँ पे वो लारा के साथ था। तब लारा इससे ज्यादा बात नहीं करती और तुरंत इसे किस कर लेती है। और अब यहाँ से सीन कट होकर मोनल के पास आता है जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि मोनल रास्ते से जा ही रहा था कि तभी पीछे से मिसिक स्पिटलिक आकर इसे टोकता है और अब ये दोनों कारा के लिए लड़ाई करना चालू करते हैं, जिसमें अपनी पावर की मदद से मिसिक स्पिटलिक मोनल के ऊपर भारी पड़ रहा था और क्योंकि इसके पास मैजिक करने की पावर थी तो ये अजीब अजीब तरीकों से मोनल को परेशान भी कर रहा था। तब मोनल अपनी जेब से उसी एलिमेंट को निकालता है जिसको इसने DEO के मेन बेस से चुराया था और अब जैसे ही उसकी रोशनी में मिसिक स्पिटलिक आता है तो वो अपनी पावर यूज नहीं कर पाता, जिसे देखते हुए मोनल इसकी धुलाई करने लगता है। पर थोड़ी ही देर में मिसिक स्पिटलिक अपने दिमाग का यूज करते हुए मोनल से उस एलिमेंट को भी छीन लेता है और इसके बाद ये वापस से मोनल को मारना पीटना चालू करता है। और अब ये मोनल की जान लेने ही वाला था कि इतने में ही यहाँ पर कारा आ जाती है, जिसे देखते हुए म्यूजिक स्पिटलिक को रुकना पड़ता है। और अब ये मोनल की जान बचाने के लिए म्यूजिक स्पिटलिक से बोलती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मोनल को छोड़ दो। और क्योंकि म्यूजिक स्पिटलिक तो यही चाहता था तो इसी वजह से ये मोनल को छोड़ देता है। और अब ये कारा से बोलता है कि मैं तुमसे मिलूंगा पर कल, और फिर तुम वही मुझसे शादी कर लेना, जिसके बाद मैं तुम्हें भी अपनी तरह गॉड लेवल की पावर दे दूंगा। अब इतना बोलने के बाद म्यूजिक स्पिटलिक यहाँ से चला जाता है और मोनल और कारा भी अपने अपने घर में लौट जाते हैं। अब अगले दिन हम लोग देख पाते हैं कि कारा के घर में सुबह सुबह मोनल आता है जो कि इसे कन्विंस करने आया था कि ये म्यूजिक स्पिटलिक से शादी ना करे, पर क्योंकि कारा पूरी सिटी और साथ ही मोनल को बचाना चाहती थी तो इसी वजह से ये मोनल की बात पर एग्री नहीं करती। तब मोन इसे और ज्यादा समझाने की कोशिश करता है लेकिन कारा इसकी बात पर अभी भी एग्री नहीं करती और ये इसके ऊपर गुस्सा करते हुए इसे यहाँ से भगा देती है। और अब इसके बाद ये अपनी कैटको कंपनी में चली जाती है जहाँ पर मैगी आई हुई थी। अब यहाँ पर मैगी इसे बताती है कि पिछली रात इसने एलेक्स का दिल दुखाया था और तब से ही एलेक्स इसे दिखी नहीं। इस बात को सुनने के बाद कारा काफी ज्यादा शॉक होती है, पर ये मैगी को बताती है कि एलेक्स बस तुम्हारे साथ वैलेंटाइन डे बनाना चाहती थी। और अब क्योंकि एलेक्स की वजह से ही मैगी गुस्सा हुई थी तो इसी वजह से ये काफी ज्यादा उदास हो रही होती है। अब आगे कारा सुपरमैन की सीक्रेट लैब में पहुंचती है जो कि पहाड़ों के बीच में थी, क्योंकि इसने डिसाइड करा था कि ये वहीं पर जाकर म्यूजिक स्पिटलिक से शादी करेगी। जैसे ही कारा वहां पर पहुंचती है तो म्यूजिक स्पिटलिक इसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, पर तब कारा वहां पर सभी डोर्स लॉक कर देती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे यहां पर शादी करने के लिए आई हूं, मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करने वाली। अब इस बात को सुनने के बाद म्यूजिक स्पिटलिक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब ये वहां पर बनी कारा के अंकल की मूर्ति को जिंदा करता है और कारा के ऊपर ही हमला करवा देता है। तब कारा उस मूर्ति के वार से बचती हुई उसे कुछ ही मिनटों में बर्बाद कर देती है। और अब ये नीचे आती है और ये कंप्यूटर में कुछ छेड़छाड़ करती हुई बोलती है कि मैंने यहाँ पर सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड चालू कर दिया है, अब तुम यहाँ से अकेले ही भाग जाओ, मैं तो यहाँ पर बर्बाद हो जाऊंगी। अब इस बात को सुनने के बाद म्यूजिक स्पिटलिक काफी ज्यादा शॉक होता है और अब ये कारा के पास आकर गिड़गिड़ाने लगता है कि तुम प्लीज ऐसा मत करो। तब कारा एक शर्त रखती है और बोलती है कि तुम्हें इसका पासवर्ड खुद ही डालना होगा, पर क्योंकि म्यूजिक स्पिटलिक को क्रिप्टोनिया नहीं आती थी तो इसी वजह से कारा इसे बताती है कि तुम्हें ये बटन प्रेस करना है। फिर जैसे ही म्यूजिक स्पिटलिक उन सभी बटनों को टच करता है तभी उसे कमजोरी सी महसूस होने लगती है। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि कारा ने म्यूजिक स्पिटलिक के नाम को रिवर्स कर ही उससे लिखवा दिया था। और जैसा कि जॉन ने स्टार्टिंग में बताया था कि फिफ्थ डायमेंशन के किसी भी आदमी को हराने के लिए उसका नाम उल्टा करके लिखवाना होता है तो वो हमारी एक विश भी पूरी करता है। तब कारा इससे यही विश करती है कि तुम यहाँ पे से अपने डायमेंशन में चले जाओ और इसके बाद हमारे डायमेंशन में कभी भी मत दिखना। और अब क्योंकि इस विश को रोकना म्यूजिक स्पिटलिक के बस में नहीं था तो इसी वजह से ये यहाँ से गायब हो जाता है, पर ये चिल्लाता रहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे से शादी करने के लिए इस डायमेंशन में आया था। और अब क्योंकि सब सही हो गया था तो कारा भी काफी ज्यादा खुश होती है। अब आगे हम लोग एलेक्स को देख पाते हैं जो कि रात में जब अपने अपार्टमेंट में पहुंचती है तो यहाँ पर इसे एक कार्ड मिलता है जिसमें एक जगह का इनविटेशन था और साथ ही यहाँ पर एक गिफ्ट भी रखा हुआ था जिसमें एक बहुत सुंदर सी ड्रेस थी। और अब क्योंकि एलेक्स समझ गई थी कि इस ड्रेस को मैगी ने भेजा है तो ये तुरंत ही उस ड्रेस को पहनती हुई उसी जगह पर पहुंचती है जिस जगह का एड्रेस कार्ड में लिखा हुआ था। अब वहां पर जाने के
बाद एलेक्स सबसे पहले मैगी से मिलती है और अब मैगी इसे सॉरी भी बोलती है क्योंकि इसकी वजह से कल एलेक्स को उदास होना पड़ा था। अब इसके बाद ये दोनों यहाँ पर डांस करने लगते हैं और आगे हम लोग विन को देख पाते हैं जो कि लारा से एक रेस्टोरेंट में मिलता है जहाँ पर सभी ह्यूमंस थे और जैसे ही लारा वहाँ पर एंटर करती है तो सभी लोग उसी को घूरने लगते हैं। अब इस बात को देखते हुए लारा को काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है पर जैसे ही ये विन के सामने जाकर बैठती है तो विन इससे बोलता है कि तुम काफी ज्यादा सुंदर हो इसी वजह से ये लोग तुम्हें घूर रहे हैं और मैं सच बताऊं तो मुझे तुम्हारे एलियन होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इस बात को देखते हुए लारा काफी ज्यादा खुश होती है। अब इस एपिसोड के लास्ट सीन में हम लोग कारा और मोनल को देखते हैं जहाँ पर कारा के घर में मोनल आया हुआ था। तब मोनल इससे बोलता है कि शायद मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम म्यूजिक स्पिटलिक से कभी भी शादी नहीं करोगी और साथ ही मुझे माफ भी कर देना क्योंकि मैं सच में बहुत ज्यादा जेलस हो रहा था कि तुम म्यूजिक स्पिटलिक से शादी कर रही हो। और अब इसके बाद कारा मोनल को हंसते हुए किस करती है और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको इसके आगे की कहानी देखनी है तो कमेंट में नेक्स्ट जरूर टाइप कर दीजिएगा ताकि मैं जान सकूं कि कितने लोग हैं जो इसके आगे की कहानी को देखना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।